साथ हमारी ट्रिप शुरू हो गई है। बस कार बदल गई है और लोग बदल गए हैं। गाइस हमने वॉक पैड दिख दिया है, आपका स्वागत है। हम लोग फिर जा रहे हैं विल्सन प्रॉन्स, और लास्ट टाइम की हमारी ट्रिप रह गई थी अधूरी, इस बार हम करेंगे उसको पूरी। और अभी पहाड़ के नजारे भी दिखाते हैं, और इसी के साथ हमारी ट्रिप शुरू हो गई है। बस कार बदल गई है और लोग बदल गए हैं। लोग बदले हैं, ट्रिप सेम। एक के बदले दो लोग आ गए, लोग तो वही है वैसे। गाड़ी बदल गई है इस बार, ईवी नहीं है, गाड़ी बदल गई है। कपड़े बदल गए हैं सबके। तू कैसा, वही कपड़े पहन कर आएगा शशांक? मेरे कपड़े चेंज कर लिए यार। कपड़े चेंज करके आया हूँ, बोला था लास्ट टाइम वही पहनूंगा, पर चाय पी लो। चाय हम पियेंगे आधे घंटे बाद, जब तक तो खराब हो जाएगी। उससे पहले नहीं पियेंगे। ये हमारा आज तक का रिकॉर्ड है। जब भी पिकनिक पे यहाँ पे आके चले जाएंगे। जब भी शशांक चाय बना के लाता है वो खराब हो जाती है। नहीं, लास्ट टाइम इट वाज 24 फ्लास्क मेरा था, बट एवरीथिंग ओके। जब भी शशांक के फ्लास्क में चाय आती है वो खराब हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो जब 12 घंटे बाद पियेंगे तो बचेगी वो चाय। सिंक में तो गाइस सब आपको दिखाते हैं सामने के नजारे, ये पीछे के नजारे हैं। तो गाइस लंबे सफर के बाद बारी थी एक जगह रुक कर लंच करने की। तो हम इस जगह को कैसे भूल सकते थे जहां लास्ट टाइम हमने 5 घंटे स्पेंड करे थे। तो हमने सोचा लंच करना ही है, तो वापस चलते हैं मिनियन होटल एंड बार। और हम पहुंच गए यहां पर, और देखिए दोस्तों हम फिर से आ गए हैं मिनियन होटल के अंदर। ये हमारा अड्डा बन चुका है आते समय और जाते समय। तो खाना खाने से पहले बारी थी कुछ सेल्फीज की, तो हमने क्लिक करी कुछ सेल्फीज। और अब आपको दिखाता हूँ हमारा शानदार और लजीज लंच जो हमने किया मिनियन होटल एंड बार के अंदर। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं विल्सन प्रॉम नेशनल पार्क में। ये पार्क बहुत बड़ा है, हमने जस्ट अभी एंट्री लिया पार्क के अंदर। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं विल्सन प्रॉम। ड्राइव कर रहा है अभी, 2 बजे से क्रूज का टाइमिंग है और 2 ऑलरेडी बज चुके हैं, और हम अभी आधे घंटे की दूरी पर हैं। अब आज भी फिर वही सीन हो गया है कि टाइम से वहां पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। अब जो विल्सन प्रॉम पहुंच चुके हैं उसका एक पार्ट है अगर वो कर पाए। तो हम विल्सन प्रॉम के अंदर एंट्री तो ले चुके हैं, लेकिन जहाँ से क्रूज मिलता है वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। वहां पहुंचने में भी आधा घंटा और लगेगा, और वो 2 बजे शुरू हो जाता है और 2 ऑलरेडी बज गए हैं। तो हो सकता है अगला क्रूज भी चलता हो 2:30 बजे 3 बजे, पता नहीं। होप फॉर दी बेस्ट, और देखते हैं इस बार किस्मत हमारा साथ देती है कि नहीं। नहीं तो फिर कुछ और घूमेंगे, मस्ती तो कर ही रहे हैं हम लोग। चलिए सो गाइस जब तक हम बुकिंग सेंटर पे पहुंचे तब तक 2:30 बज चुके थे, और जो क्रूज को बुक कराने का टाइम है वो है 1:30 बजे का, और 2 बजे तक आपको बोर्ड करना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो हम वो क्रूज़ की टिकट बुक नहीं करा पाए और वो क्रूज़ हमारे से मिस हो गया। पर हमने कहा कोई बात नहीं, दिल छोटा नहीं करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे बीच हैं और वाइल्ड लाइफ वॉक है, तो हम उसको इन्जॉय कर लेते हैं।
गाइस तो हम पहुंच चुके हैं विल्सन प्रॉम्प्ट के नॉरमन बीच और सब लोगों ने यहाँ चप्पलें पहनी हुई हैं, हम लोगों ने जूते पहने हुए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है भाई, आज नहाएंगे भाई पहली बार हम बताएं कहीं कपड़े बिना कपड़े भाई। गाइस देखिए क्या होता है जब आप जबरदस्ती अपने दोस्त से अपना वीडियो बनवाते हैं और उसका बिल्कुल मन नहीं होता आपका वीडियो बनाने का। रुक गई, तुम्हारे साथ नहीं जाना था उसको। ले जूम पानी के अंदर डूब जा जाके। तो गाइस पानी में खेलने के बाद हमने लिए एक फाइनल सेल्फी बीच पे और हम निकल गए वाइल्ड लाइफ वॉक की तरफ। आइए आपको दिखाते हैं नज़ारे रास्ते के। तो गाइस 10 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए थे वाइल्ड लाइफ वॉक में। तो आइए आपको दिखाता हूं इसके कुछ नज़ारे। ओ वॉम्बैट, ओहो नाइस मैन। नहीं पास मत जा, पास मत जा। गाइस हमें वॉम्बैट दिख गया है और इसके पास जाना अलाउड नहीं है। देखो अभी हमारी वाइल्ड लाइफ वॉक शुरू नहीं हुई है और हमें वॉम्बैट पहले से ही दिख गया है। गाइस ये है 4.5 किलोमीटर का वॉक जो कि 45 मिनट में पूरा होगा और हम अभी धीरे धीरे चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ जानवर भी दिख सकते हैं हमें। ये हम चल रहे हैं वाइल्ड लाइफ। लेफ्ट चलना है गाइस, राइट कहाँ चलना है जल्दी बताओ। कंगारू कंगारू दिख गया है और वो सामने में देख नहीं पा रहा है। चलें क्या उसके पास? और ये कंगारू हमें ही देख रहा है। मार देगा अपना भाई उसका है यार भाई लगता 15 डॉलर। पंजा ही मार देता भैया कंगारू। पंजा वंजा नहीं मुक्के मारता भाई, बॉक्सिंग करता और छाती पे लात मारता है। खाना
पहले कंगारू को अपना मुंह दिखाना होगा। वो छुप के बेचारा मुंह दिखा रहा है। कहाँ देख रहे हैं? देख रहे हैं। छाती पीट रहा है। हम चल रहे हैं जंगलों के बीच से। ये देखो और अभी मैं गिरते गिरते बचा। और ये मेरा दोस्त है शशांक। हेलो। जो आदमी मेरे लिए था वो मेरा नहीं है। ये वेप नहीं पीता, ये केवल लेकर आया हुआ है। और जैसे कि आप देख रहे हैं दूर दूर तक साथ साथ चलो, आगे पीछे चल रहे हो। ऐसे चलो हस्बैंड वाइफ हो। तो गाइस विल्सन प्रॉम्स नेशनल पार्क के वाइल्ड लाइफ वॉक से बाहर निकलते निकलते शाम हो गई थी और हम सबको लग रही थी भूख, लेकिन आसपास दूर दूर तक कोई भी रेस्टोरेंट नहीं था। तो हम लोग जो घर से स्प्रिंग रोल लेकर आए थे, हमने सोचा उसी को खा लेते हैं। ये है हमारे इवनिंग स्नैक्स, स्प्रिंग रोल एंड फ्राइज। तो गाइस इवनिंग स्नैक्स खा के अब हम चल दिए हैं वापस मेलबर्न की तरफ। और अब आपको दिखाते हैं रस्ते कुछ नज़ारे। तो गाइस अब हम जा रहे हैं घर वापस और रात के बज रहे हैं 9:30। और जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी करी थी कि जब भी शशांक के घर के फ्लास्क में चाय आती है वो बेकार हो जाती है, तो आज की भी चाय बेकार गई है। हम में से कोई उसे पी नहीं पाया। वो जैसी आती है वैसी ही जाती है और शशांक के घर में जाके फेंकी जाती है। 4 दिन पुरानी जो चाय थी वो आज फेंकी गई थी, और जो आज ताई ताजी चाय बनाई गई थी वो कल नहीं फेंकेगा, जो लगता है अगले हफ्ते फेंकेगा। आज जाके फॉरेन में फेंक देगा, मतलब ऑस्ट्रेलिया के बाहर जाके कहीं। तो गाइस अब इसके आगे तो कुछ नहीं है, अब रात हो गई है, अब हम सब घर पहुंचेंगे। और बाहर की रात नज़ारे आपको दिखा नहीं सकता, अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा और सबको आ रही है नींद, सबको सोना है। तो घर जाते ही सब घोड़े बेच के सो जाएंगे और आपसे मिलेंगे जब अगली ट्रिप पे, जब अगली ट्रिप करेंगे हम लोग। एंटी 4 बार कट 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 कर रहा है। बाय 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 बाय।